Okay, another day, another ride, and this is just a ride to my office, not some crazy Ladakh ride. But this is what daily observations is all about, isn't it? पता नहीं ये रास्ते कब बदलेंगे. पिछले 5 सालों से मैं इस रास्ते को ऐसा ही देख रहा हूँ. सुना था जब मेट्रो बनने वाली होगी या बन जाएगी तो इस रास्ते का काया पलट हो जाएगा, बट नो साइंस ऑफ काया पलट येट. इनफैक्ट और स्थिति बदतर ही हुई है इस रोड की, क्योंकि यहाँ पर कचड़े का डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है और आप देख सकते हो मेरे सामने यह है डंपिंग ग्राउंड, सूखा कचरा प्रसंस्करण केंद्र. तो ये है इस जगह की स्थिति. और अंदर ही अंदर निकलने की कोशिश करेंगे आज, क्योंकि एज यू नो सर्विस लेन बंद किया हुआ है मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से. सो नए नए रास्ते हमें इनोवेट करने पड़ते हैं. क्या ये भी रास्ता बंद तो नहीं है? नहीं नहीं खुला. इतने बड़े बड़े मशीनों को देखकर लगता है कहीं इधर भी तो कंस्ट्रक्शन नहीं चालू हो गया. अगर आप अभी के टाइम में पटना में रात में निकलोगे, मतलब 11 बजे के बाद, तो हो सकता है बहुत सारे रोड्स जहां आप नॉर्मली चलते हो रोज, वो आपको बंद मिलेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलता है रात के टाइम में. मतलब सुबह तक वो रोड नॉर्मली चल रहा है और रात में जब आप जाओगे तो वो रोड खुदा हुआ मिलेगा. ये शायद नमामि गंगे के जो पाइप्स बिछाए जा रहे हैं रोड के नीचे, उसके कारण. तो बी केयरफुल. मेट्रो का कंस्ट्रक्शन तो ऐसा लग रहा है कि रुक सा गया है. आई मीन लेबर लोग लगे हुए हैं, बट कुछ भी ऐसा एक होता है ना डेवलपमेंट टाइप का, वैसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर. जैसे पिलर्स पिछले 6 महीने पहले दिख रहे थे, बस वैसे ही पिलर्स अभी भी दिख रहे हैं और पता नहीं क्या ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है. आई होप देयर इज़ नो पॉलिटिकल रीज़न इन्वॉल्व्ड बिहाइंड द स्टॉपेज ऑफ वर्क दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द मेट्रो डेवलपमेंट. पता नहीं कोई पॉलिटिकल इशू ना हो बस. क्योंकि एक समय था जब मेट्रो का काम बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहा था, पर देखो ऐसा लग रहा है कि महीने 2 महीने से कुछ काम हुआ ही नहीं है मेट्रो का. जस का तस जैसा था वैसा पिलर बन के बस खड़ा है, दैट्स इट. सो और जब मैं मेट्रो का वीडियो बनाता था, मेट्रो के डेवलपमेंट का, तो बहुत सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया जब मैं कहता था कि काफ़ी स्पीड से मेट्रो का काम चल रहा है. तो सब्सक्राइबर्स का कहना था कि ये स्पीड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, क्योंकि आगरा मेट्रो डेढ़ दो साल में बनकर कंप्लीट हो गया था. और ये देखो ये झुग्गी झोपड़ियाँ जो उधर रोड पर थी, तो मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्हें अंदर शिफ्ट कर दिया गया, बट एटलीस्ट दे स्टिल हैव अ प्लेस टू लिव. और ये सर्विस लेन बंद होने के बाद इधर से एक ऑप्शनल रास्ता, मतलब टेम्प्रेरी रास्ता बनाया गया है, ताकि हमेशा रॉन्ग साइड से ना जाना पड़े. आई एम गेटिंग अ फ़ोन कॉल. ओके, सो जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय अ फ़ोन कॉल दैट वाज फ्रॉम कस्टमर केयर एंड आई एम सो हैप्पी. तो एज आई वाज सेइंग कि एक टेम्प्रेरी रास्ता बनाया गया है ताकि उस साइड से ना जाना पड़े लोगों को, क्योंकि 0 माइल से बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ट्रैफिक होता है और रॉन्ग साइड आने में बहुत दिक्कत होती है. तो आजकल पटना में कहीं भी कभी भी कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है और कोई भी रोड रैंडमली बंद कर दिया जाता है. और सच पूछो तो
मेन रोड्स जितने अच्छे कंडीशन में हैं, अंदर की गलियां उतनी ही खराब कंडीशन में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नमामि गंगे प्रोग्राम जो कि चल रहा है, और उसकी वजह से सारे रोडों को खोद दिया गया है और फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये रोड जो अभी जिस पर मैं चल रहा हूँ वो लगभग 1.5-2 साल तक ऐसा ही ख़राब था, और अभी इसे लगभग 6 महीने पहले कंप्लीट किया गया है, बनाया गया, रिपेयर किया गया है, जो भी बोलो आप। और ये रोड देखो, ये रोड तो मतलब ऐसा ही है कई सालों से, मतलब जब वहाँ तक का रोड बनाया गया तो आई डोंट नो कि इस रोड को भी क्यों नहीं बना दिया गया, लगे हाथ इसे ही बना देना चाहिए था। थोड़ा सा स्ट्रेस था, ये देखो रोड की कंडीशंस, क्योंकि मेन रोड से बहुत लोग गुजरते तो उन्हें पता चलता है काम हो रहा है, बट ये गलियों से सारे लोग गुजरते नहीं है, गलियों से वही लोग गुजरते हैं जिनका घर उस गली में होता है, तो पता नहीं चल पाता है कि कितना काम हो रहा है गलियों में, बट दिस इज द कंडीशन। ये देखो इस रोड की कंडीशंस, मतलब इतने दिन से वहाँ पानी जमा है कि वहाँ पे लिटरली जो फंगस होता है, मतलब फंगाई जो होती है वो जम गई है, कीचड़ हो रखा है पूरा। गलियों के बारे में सच में कोई नहीं सोचता, बट मेरा ऐसा मूड था कि मैं आपको इन गलियों को दिखाऊं कि क्या कंडीशंस है यहाँ पर, और आपके एरिया में भी कोई ऐसी गली है जिसकी कंडीशन बहुत सालों से बदतर है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं कवर करूँगा, उसे दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट की वीडियोस तो बहुत मिल जाते हैं, बट ये ख़राब जो गलियाँ हैं उनको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, इट्स ऑफ रोडिंग ब्रो, इट्स नॉट खराब रोड। ये देखो यहाँ ये गड्ढे, अगर इन गलियों की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मेन रोड और बाईपास पर लोड कम रहेगा ट्रैफिक का। ओके, ये देखो जुगाड़। जब रोड ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसे पार्किंग बना दो। नाइस, और ये हम पहुंच गए हनुमान नगर में। गुड, देखो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी थी, बस रोड अगर थोड़ा अच्छा हो जाए तो बहुत लोग ऑप्शंस में उस रोड को यूज़ कर सकते हैं, बट और यहाँ पर फिर से मेट्रो का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो ये जो मलाई पकड़ी वाला एरिया है, मलाई पकड़ी चौक है एक्चुअली में ये, तो यहाँ पर देखो इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है, काम यहाँ पर चल रहा है थोड़ा, बट ऐसा काम कुछ दिख नहीं रहा है, आई थिंक पाइलिंग का काम चल रहा है, क्योंकि ये सामने जो मशीन है ये तो पाइलिंग की ही मशीन है, और ये जो क्रेन है इसे छड़ उठाकर डाले जाते हैं जो पाइलिंग होता है उसके अंदर। बट सच में मैं भी अब फील कर रहा हूँ ऐसा कि जितने स्पीड से काम होना चाहिए था उतने स्पीड से तो काम नहीं हो रहा है,
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अगले इलेक्शन तक इस काम को खींचा जा सकता है, जिसमें अभी काफ़ी टाइम है। तो मेरा अंदाज़ा है कि आपको तब तक वेट करना पड़ेगा मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। और अगर इस इलेक्शन में सरकारें बदल जाती हैं तो आई वंडर कि मेट्रो कभी भी यूज़ करने मिलेगा हमें। बट लेट्स सी, ये देखो ये पूरा रास्ता घेर के रखा हुआ है मेट्रो वालों ने। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक्चुअली में, और इसके कारण बहुत ज़्यादा जाम लगती है। अभी तो कम है, पर शाम में अगर आप 6 बजे के अराउंड इस रास्ते में आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा, और जाम होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखो इतना चौड़ा रास्ता था और इसे इतना पतला कर दिया गया घेर कर, तो ट्रैफिक तो ऑब्वियसली लगेगा। ये अंकल लोग ज़्यादा ख़तरनाक बाइक चलाते हैं, ऐसी बाइक चलाते हैं जैसे रोड पर बस यही हैं और कोई भी नहीं। ये देखो, ओहो हो रेस क्या रेस दिया अंकल जी ने। अंकल जी जोश में आ गए। यहाँ तक का पूरा रास्ता जो है मेट्रो के से घेरा हुआ है। यहाँ के बाद रोड आपको खाली मिलेगी, बट यहाँ से लेकर और उल्टा जाओगे आप तो मलाई पकड़ी तक पूरा का पूरा रोड कवर्ड है मेट्रो के बैरिकेड से। तो वहाँ अगर आप 6 बजे जाओगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी आपको।